उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, यानी कि यूपी की सड़कों पर कहीं कोई गड्ढे नहीं दिखेंगे, और साथ ही ये भी कहा था कि इसे लेकर काम शुरू हो चुका है। इसी बीच सोशल मीडिया पर अब दो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें एक शख्स हेलमेट लगाकर सड़क के बीचों बीच मौजूद एक गड्ढे में बैठा हुआ है और दूसरी तस्वीर में वही शख्स एक गड्ढे में मछली पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश की सड़कों के हालात से जुड़ी एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। पोस्ट के जरिए तंज कसा जा रहा है कि यह हाल उस सरकार के कामकाज का है जिसने अच्छे दिन लाने का वादा किया था। पोस्ट की पहली तस्वीर में हेलमेट पहने एक व्यक्ति सड़क पर बने गड्ढे के अंदर पालथी मारकर बैठा है। वहीं दूसरी तस्वीर में वही व्यक्ति पानी भरे गड्ढे के ऊपर एक लकड़ी लटकाकर ऐसे बैठा है मानो मछली पकड़ रहा हो। कांग्रेस की मीडिया पैनलिस्ट पंखुड़ी पाठक ने भी ट्विटर पर यही दावा किया है। तो इन दावों के बीच सबसे पहले यह जानने की जरूरत थी कि आखिर यह तस्वीर उत्तर प्रदेश की है तो फिर किस जगह की। लिहाजा हमने इस तस्वीर को लेकर पूरी पड़ताल की, दावों की पड़ताल की, यह जानने की कोशिश की कि आखिर इन दावों में सच्चाई है कितनी। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉरूम ने पाया कि वायरल पोस्ट में किया जा रहा यह दावा भ्रामक है। तस्वीर में नजर आ रही सड़क उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की है। वायरल तस्वीरों को रिवर्स सर्च करने पर हमें पता चला कि हेलमेट पहनकर सड़क पर बैठे व्यक्ति का नाम संगीत रॉय है। संगीत ने पश्चिम बंगाल के पुराना मालदा इलाके की टूटी सड़कों की तरफ प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए यह प्रयोग किया था। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें काफी वायरल हुई थी और मीडिया में भी ये रिपोर्ट्स छपी थी। तो कुल मिलाकर यह साफ हो गया कि जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है, वो दरअसल पश्चिम बंगाल की है, यानी कि जो दावे किए जा रहे थे वो सरासर गलत है।